हे गाइस, मास्टर मनीष गांधी आज के वीडियो में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जो टॉप यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड हैं और उन्हीं के टॉप फैकल्टीज द्वारा कराए जाते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और नॉलेज को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। एंड आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस दैट एंड दे आर रियली गुड। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड के कोर्सेज के बारे में। इसके लिए आपको सिर्फ ब्राउजर में स्टैनफोर्ड ऑनलाइन फ्री कोर्सेज लिखना है। उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट पेज खुलेगा उस पर दूसरे लिंक पे आपने जाना है ऑनलाइन फ्री स्टैनफोर्ड कोर्सेज में। हियर एंड हियर यू कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, हेल्थ एंड मेडिसिन, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज एंड मेनी मोर। इफ यू सेलेक्ट इंजीनियरिंग यू वुड गेट वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट कोर्सेज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अबाउट कोडिंग, पाइथन, क्वांटम मैनेजमेंट, क्वांटम मैकेनिज्म, प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट एंड मच मोर। वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनके पास भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, AI बेस्ड, एथिक्स एंड मेनी अदर। और बाकी कैम्ब्रिज एंड पेंसिल्वेनिया जैसी यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज चलते रहते हैं। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा आपको बताने का मतलब ये था कि आप अपनी या डिग्री कर रहे हैं या अभी आप प्लस वन प्लस टू में हैं, तो आप अभी से जो आज लेटेस्ट थिंग्स स्किल्स चल रहे हैं, लेटेस्ट या फ्यूचर टेक्नोलॉजी आएगी उसके बारे में अपने स्किल्स को एनहांस करते रहें, ताकि इन फ्यूचर आपको जॉब्स में दिक्कत ना आए। एंड इवन यू कैन बिल्ड योर ओन स्टार्टअप ऑन दीज बेसिस। आप ये ना समझे कि मैं अब एक मीडियोकर कॉलेज में आ गया हूँ तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई है। एंड इफ अ पर्सन इज स्टडिंग इन DU, ही हैज मच मोर अपॉर्चुनिटीज। हाँ ठीक है, उसके पास एक्सपोजर ज्यादा है, बट आज इंटरनेट के जमाने में आप भी कुछ ना कुछ अपना स्किल सीख सकते हैं, आप भी कुछ ना कुछ अपनी अपॉर्चुनिटीज बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू आज से 3-4 साल बाद जनरेट कर पाए। इसीलिए न्यू वेंचर्स और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए और उसमें अपना कुछ एक्सपीरियंस गेन करिए। इसमें अपना फायदा ही होगा, कोई नुकसान वाली बात नहीं। सो अगर आपको आज का कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगा तो डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर लव्ड वंस एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।